गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑन 18 जुलाई 2020 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 18, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10th। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या मीनिंग क्या है प्रोबेबिलिटी का। जैसे वट एवर कोई भी सिचुएशन चूज कीजिए आप, मैंने कोई सिचुएशन चूज किया कि यहाँ से मुझे बेंगलोर जाना है विद इन टू मिनट आई वॉन्ट टू गो बेंगलोर। यहाँ से मुझे बेंगलोर जाना है 2 मिनट में, क्या ये इवेंट जो भी एक्सपेरिमेंट किया मैंने, क्या ये पॉसिबल है? नो, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। कोई और सिचुएशन ली, मैंने कहा कि राजेश इस बार मैथ के एग्जाम में 90 मार्क्स लेके आएगा 100 में से, चांसेस हैं कुछ चांसेस हैं, वट एवर कितने भी चांसेज हो सकते हैं, 70%, 80%, 90%, 100% चांस हो सकता है कि हाँ श्योरली ही गेट मार्क्स 90 इन 10th स्टैंडर्ड एनुअल बोर्ड एग्जाम। वट एवर कोई भी चांसेस, घर में बैठे बैठे हमने सोचा कि आज बारिश होगी, क्या चांसेज है वेदर के कि बारिश होगी, 50% चांसेज है, 30% चांसेज हैं। तो वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांसेज ऑफ एनी इवेंट। आप कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, उसके क्या चांसेज हैं कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ से मुझे बेंगलोर जाना है और 2 मिनट के अंदर, तो ये एक तरह का इम्पॉसिबल इवेंट है। एक और सिचुएशन लेते हैं, मेरी पॉकेट में 500 रुपीज़ के नोट हैं, जितने भी नोट हैं सारे 500 रुपीज़ के हैं, 500 रुपये के नोट हैं मेरी पॉकेट के अंदर। मैंने कोई भी एक नोट चूज़ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेज हैं कि वो 500 का ही होगा, यस और नो? तो क्या सिचुएशन है कि मेरी पॉकेट में 500 के नोट हैं, उनमें से मैंने एक नोट चूज़ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नोट 500 का ही होगा? 100% श्योर है, ये तो पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, ये तो श्योर इवेंट है कि अगर आपके पास 500 के नोट हैं, उनमें से अगर आप कोई भी नोट बाहर निकालोगे रैंडमली, तो वो नोट 500 का ही होगा, यस और नो? वो एक श्योर इवेंट हो गया। तो आपके पास आता है एक इम्पॉसिबल इवेंट, एक पॉसिबल इवेंट, और एक आता है श्योर, मतलब डिफाइन है, निश्चित है कि ये श्योर है कि 100%। इम्पॉसिबल मीन्स 0%, और पॉसिबल मीन्स कितने भी परसेंट चांसेज हो सकते हैं, 10%, 20%, 15%, वट एवर परसेंटेज। सो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, चांसेज ऑफ एनी इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग क्या है कि उसके चांसेस 0 हैं, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। श्योर इवेंट है, उसकी चांसेस क्या है, 100%, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और पॉसिबल का मीनिंग क्या है, 0 to 1, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो वी कैन से जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी आपके पास, वो 1 या 1 से छोटी हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी, मीन्स 0 से छोटी नहीं होगी। नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी की, नेगेटिव में आंसर कभी नहीं आएगा, एंड 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी कभी नहीं आएगी। मीन्स कभी भी आपके पास अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो ऐसा आंसर कभी नहीं आएगा जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, ऐसा आंसर आपके पास कभी नहीं आएगा। मीन्स 15/7 की फॉर्म में आंसर आपके पास कभी भी नहीं आएगा। श्योर इवेंट है, 100% है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बाकी सिचुएशन है उसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है वेरी कर सकती है, 0 to 1, 0.1, वट एवर कोई भी आंसर आ सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से बड़ी होगी ना ही 0 से छोटी होगी। आपके पास कैसा कभी भी ऐसा आंसर नहीं आएगा जिसमें न्यूमरेटर जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से या फिर P ऑफ E से।
मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, ए से भी कर लेते हैं, ई से भी कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जनरली पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, या ये कह सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स, या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल केसेस। ये फॉर्मूला आपके पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है, चाहे फेयर नोटबुक हो चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मेंशन करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? फेवरेबल तो हम जो गिवन कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करने वाले आ जाएंगे, बट टोटल पॉसिबल आउटकम्स लाइक एज एक डाइस को थ्रोन किया, अगर एक डाइस उछालेंगे, डाइस को फेंकेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है, चांसेस क्या हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6, देर आर द टोटल 6 पॉसिबिलिटीज अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 6 पॉसिबिलिटीज होगी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर मैंने एक कंडीशन लगा दी अब इसके ऊपर, फेवरेबल कैसे फाइंड करेंगे? आउट ऑफ देम प्राइम नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? 3। और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल केसेस क्या है? 3। और टोटल क्या है? 6। 3/6 मीन्स 1/2। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूँ आपको कि इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6, 3/6। अगर ऑड नंबर के लिए बोला जाए तो 1, 3, 5, 3/6। नंबर ग्रेटर देन 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, मतलब सॉरी 5, 5 से बड़ी डिजिट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 से बड़ी कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, 1/6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 है, बट 5 से बड़ी डिजिट कितनी है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटी डिजिट, 1, 2, 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। बाकी आगे फाइंड करते हैं, और सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे हो सकते हैं। अभी हमने एक डाइस को थ्रो किया था, 1 डाइस को, अगर हम 2 डाइस फेंकें, कितने डाइस? 2 डाइस, तो कैसे पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? देखिए 2 डाइस हैं, फर्स्ट पे 1 आ गया, सेकंड पे भी 1 आ गया, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6, सेकंड पे फर्स्ट पे 1, दूसरे पे भी 1, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे भी 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2, सॉरी सेकंड पे 3, 3,4, 3,5, 3,6, सॉरी 2, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। मीन्स फर्स्ट डाइस पे तो 3 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. So there are the total possible outcomes if we thrown 2 dice simultaneously. 2 dice अगर आपने एक साथ फेंके हैं,
दो डाइस दोनों को साइमल्टेनसली एक साथ अगर आपने फेंका है तो देर आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 So there are the total possible outcomes 36. तो 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हम दो डाइस को साइमल्टेनसली थ्रोन करेंगे. एक डाइस को दो बार फेंकेंगे तो भी टोटल पॉसिबल 36 बनेंगे. तो दो डाइस एक साथ फेंकना या एक डाइस को दो बार फेंकना, दोनों के लिए टोटल केसेस सेम ही बात है, एक ही बात है. एक डाइस को भी दो बार फेंकोगे तो कैसे बोलोगे, पहली बार एक आया दूसरी बार भी एक आया, पहली बार एक आया दूसरी बार दो आ गया. तो ऐसे करके टोटल पॉसिबल कितने बनेंगे, 36 बनेंगे. अब इसके लिए कंडीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे. जैसे मैं कह दिया फेवरेबल कंडीशन के लिए, कंडीशन मैंने दे दी आपको कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए. तो सेम नंबर कितनी बार आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 6 आउटकम्स हो गए जो फेवरेबल है, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें. ये सुनो, अच्छा सेकंड कंडीशन मैंने दे दी कि जो दोनों डाइस पे जो डिजिट आ रही हैं उनका सम, उनका जो सम है वो 13 हो. वी नो दैट द मैक्सिमम सम इज 12, मींस ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसके लिए सम क्या हो जाए, 13 हो जाए. तो 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी. सम ऑफ टू डिजिट, जो दो डिजिट आएंगी डाइस के ऊपर उनका जो सम है वो 7 हो. अब 7 के लिए कौन कौन सी बन रही है इस लाइन में, 1 + 6 7 2 + 5 7 3 + 4 7 4 + 3 7 5 + 2 7 6 + 1 7 कितने केसेज हैं, 6 केसेज हैं. अगर क्वेश्चन आ जाए सम 9 हो तो 9 के लिए फेवरेबल कंडीशन निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ, डाइस को थ्रो कर लिया, अब आती है टर्न कॉइन को थ्रो किया जाएगा. सिंगल कॉइन आपके पास, सिंगल कॉइन को थ्रो करोगे तो क्या चांसेज है, हेड या टेल, दो ही केसेज है. अच्छा टू कॉइन्स आ जाए, दोनों पे हेड आ सकता है दोनों पे टेल आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, फर्स्टली टेल देन हेड, फर्स्टली टेल आ जाए देन हेड आ जाए, फर्स्टली हेड आ जाए देन टेल आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए या बोथ कंटेन हेड. तो देर आर द टोटल 4 पॉसिबिलिटीज. 3 कॉइन्स आ जाए देन, देखो 3 कॉइन्स के लिए कैसे करेंगे, 3 कॉइन्स एक साथ फेंको साइमल्टेनसली या एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करो, एक ही बात है. 3 कॉइन्स, तीनों पे हेड आ जाए, पहले दो हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, या फिर पहले हेड फिर दो बार टेल, टी एच टी 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 एच, या फिर तीनों पे टी आ जाए. तो टोटल कितने केसेस बन गए, 8. सो फॉर कॉइन टोटल नंबर ऑफ केसेस डिफाइन बाय 2 पावर n. n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन या कितनी बार फेंका है. एक कॉइन है 2 पावर 1 2, दो कॉइन है 2 पावर 2 4, थ्री कॉइन है 2 पावर 3 2 क्यूब, 2 2 4 4 2 8, एंड फॉर डाइस टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 पावर n. 1 डाइस है या एक बार थ्रो किया तो 6 पावर 1 6, 2 डाइस है या दो बार फेंका है तो 6 पावर 2 36. ये आपके लिए टोटल केसेज आगे गिवन कंडीशन को लेकर फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इन ए थ्रो ऑफ डाइस, अब एक डाइस को थ्रो किया तो सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं. टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या देंगे, 1 2 3 4 5 6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 6. और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करली ब्रैकेट में. टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 6. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंडीशन आगे गिवन है ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन फोर। देखो कंडीशन क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए, फोर से बड़ा होना चाहिए। गेटिंग ए नंबर मोर देन फोर, तो फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं यहां पे, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, नंबर ग्रेटर देन फोर, फोर से बड़ी डिजिट कितनी है, फाइव और सिक्स, दो डिजिट बड़ी हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टू। कौन कौन से होंगे, फाइव एंड सिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए आपके पास, टू, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गए, सिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, वन बाय थ्री। कोई डाउट, नो। सेकंड क्वेश्चन, एक कॉइन है, कॉइन को टॉस किया दो बार। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को दो बार टॉस किया, इट मींस टोटल पॉसिबल केसेस क्या आएंगे, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स बोथ टाइम। तो टोटल केसेस तो क्या हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो तो आ गया आपके पास फोर। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, दोनों बार टेल आए, एक ही कंडीशन बन रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू वन बाय फोर, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स वन और टोटल आउटकम्स फोर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर जो करने हैं 18.1 के, यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक। आई विल सेंड यू ए सॉल्यूशन, फ्रॉम दैट यू कैन डू इन योर फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले उसका बेसिक देख लो आप। कार्ड, ए डेक ऑफ कार्ड, देयर आर द टोटल 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स, कलर के भी यहां पे रेड ब्लैक, ब्लैक के भी 26, रेड के भी 26, देन रेड में आ जाएगा आपका हार्ट एंड डायमंड, ये आपका हार्ट आ गया और ये डायमंड आ गया। तो हार्ट के भी 13 कार्ड एंड डायमंड के भी 13 कार्ड, और ब्लैक में आ जाएगा आपके पास स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब। तो स्पेड के भी आपके पास 13 कार्ड हैं और क्लब के भी आपके पास 13 कार्ड हैं। सब में एक किंग, एक क्वीन, सब में एक किंग, एक क्वीन, सब में एक जैक, सब में एक इक्का जिसे एस बोलते हैं, सो वी कैन से फ्रॉम 52 कार्ड्स देर आर द टोटल फोर किंग्स, फ्रॉम 52 कार्ड्स देर आर द टोटल फोर क्वींस, फोर जैक एंड फोर एस। ब्लैक कलर के जैक टू, किंग ऑफ ब्लैक टू, किंग ऑफ रेड टू, एस ऑफ हार्ट एक ही है, हार्ट का एक ही एस है, हार्ट ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ क्लब, क्लब की क्वीन एक ही है, क्वीन ऑफ रेड कलर तो क्वीन हो जाएंगी। इज देयर एनी डाउट, सो इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है। कोई भी डाउट आए, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।